सात साल का मासूम प्रद्युमन, एक सनकी ने मौत की नींद उसे सुला दिया। बच्चे की हत्या हुई दिल्ली से सटे गुरुग्राम में रायन इंटरनेशनल स्कूल में, और हत्या करने वाला आरोपी स्कूल बस का कंडक्टर निकला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इसके साथ ही जो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स पर देख रहे हैं वो आज सुबह की तस्वीरें हैं, अभी की तस्वीरें हैं। यहाँ पर पेरेंट्स, अभिभावक प्रदर्शन करते हुए, विरोध जताते हुए, ये मांग रखते हुए कि स्कूल पर भी एक्शन लिया जाए। सात साल के प्रद्युमन को बहुत भरोसे के साथ माता पिता ने स्कूल भेजा था, और सिर्फ प्रद्युमन के माता पिता का भरोसा नहीं टूटा है, बल्कि उन तमाम पेरेंट्स का भरोसा टूटा है जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। और इसी को देखते हुए ये पेरेंट्स इकट्ठा हुए स्कूल के बाहर, विरोध जताया और कहा कि बस कंडक्टर की गिरफ्तारी तो हो चुकी है जो आरोपी है, लेकिन स्कूल पर भी एक्शन लिया जाए। सवाल ये बहुत बड़ा है कि बच्चों की फीस पर ये स्कूल जरा सा भी समझौता नहीं करते, फिर उनकी सुरक्षा के साथ समझौता कैसे कर लेते हैं? आखिर स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या स्कूल प्रबंधन की नहीं है, क्या स्कूल मैनेजमेंट की नहीं है? अभिभावक इस मर्डर को लेकर गुस्से में हैं और वो चाहते हैं कि स्कूल पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सीधी तस्वीरें आप देख लीजिए, ये पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं और साथ ही स्थानीय लोग भी हैं। विरोध जता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कार्रवाई की जाए स्कूल पर, स्कूल मैनेजमेंट पर भी एक्शन लिया जाए। आप सुन सकते हैं इन पेरेंट्स में कितना गुस्सा है, ये रोष जता रहे हैं और कह रहे हैं हाय हाय के नारे लगाते हुए स्कूल प्रशासन को लेकर कि उन पर सख्त कार्रवाई की जाए, और एक साथ इकट्ठा हुए हैं अपने बच्चों की सुरक्षा की ये मांग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत भरोसे के साथ ये पेरेंट्स, ये अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं कि अब हमारा बच्चा स्कूल के अंदर दाखिल हो चुका है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस स्कूल प्रबंधन की बनती है, स्कूल मैनेजमेंट की बनती है, वो इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि इसकी एवज में पढ़ाई के लिए भी बड़ा पैसा, मोटा पैसा ये स्कूल लेते हैं, फीस वसूलते हैं और उसके साथ किसी तरह का समझौता नहीं करते। लेकिन ये अभिभावक आज गुस्से में हैं क्योंकि बच्चे की सुरक्षा के साथ समझौता हुआ और इसीलिए कल प्रद्युमन का मर्डर हो गया। सेकंड स्टैंडर्ड में प्रद्युमन पढ़ता था, महज उम्र 7 साल थी। पिता छोड़कर गए ये सोचते हुए कि बच्चा अब सुरक्षित है, लेकिन ठीक आधे घंटे के अंदर अंदर फोन कॉल आता है और बच्चे की खराब स्थिति की जानकारी दी जाती है। पेरेंट्स वहां पर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि बच्चे की हत्या कर दी गई है। देर रात आरोपी अशोक को गिरफ्तार कर लिया गया है, आज उसकी कोर्ट में पेशी भी होगी, लेकिन पेरेंट्स इकट्ठा हुए हैं स्कूल के बाहर और साथ ही स्कूल मैनेजमेंट पर एक्शन की मांग वो कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है कि उनकी तरफ से लापरवाही बढ़ती गई, वो इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। वो कहते हैं कि बहुत सारे सीसीटीवी हमने लगाए हैं, लेकिन अगर सीसीटीवी लगे हैं, अगर सुरक्षा गार्ड मौजूद हैं, कई सवाल भी साथ में खड़े होते हैं, क्योंकि अमूमन स्कूल में पेरेंट्स को प्रमाइसिस में जाने की परमिशन, इजाज़त नहीं होती है। अगर ऐसा तो एक कंडक्टर स्कूल के अंदर कैसे चला जाता है, एक कंडक्टर स्कूल का वो बाथरूम, वो टॉयलेट कैसे यूज करता है जो वहां के मासूम बच्चों के लिए भी है। हमारे बच्चे को इंसाफ मिले, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ सख्त एक्शन हो, जो स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन है प्रिंसिपल के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, इसमें एक बंदे का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता। हमारे बच्चे को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा पब्लिक यहाँ डटी रहेगी। पुलिस प्रशासन सीधा सीधा डायरेक्ट इसके चेयरमैन जो हैं सीधा पुलिस प्रशासन से मिले हुए हैं, वो भी SHO साहब ने उसका FIR दर्ज क्यों नहीं किया? ये पहली बार नहीं हुआ यहाँ पे, स्कूल सील होना चाहिए, इसमें कोई ना कोई नेक्सस है, मतलब कोई ना कोई ऐसा तत्व है स्कूल के अंदर जो ये सब करा रहा है। हमें प्रशासन से ये जानना है, जब इतने ज्यादा सिक्योरिटी लेफ्ट कल से मिले, इन्होंने स्कूल प्रशासन का क्या कार्रवाई करी है?
तस्वीरें आपने देखी और इन तस्वीरों के साथ साथ हमें अश्विनी का भी रुख कर लेना चाहिए जो सीधी जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अश्विनी, देर रात आरोपी की गिरफ्तारी तो हो गई है लेकिन पेरेंट्स का रोष देखकर ये लगता है कि वो सिर्फ इससे संतुष्ट नहीं है, वो चाहते हैं कि जहां पर बड़ी लापरवाही बरती गई यानी कि स्कूल प्रिमाइसिस के अंदर वो कंडक्टर कैसे पहुंचा, मासूम को कैसे मार डाला, स्कूल मैनेजमेंट पर भी एक्शन हो, सील किया जाए स्कूल को। बिल्कुल, देखिए पेरेंट्स का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम लोग स्कूल के बाहर खड़े हैं, आप देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग इस वक्त जुटे हुए हैं और लोगों के साथ साथ आप देखिए भारी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है ताकि किसी भी तरह की कोई प्रोटेस्ट या कोई ऐसा यहाँ पर हंगामा ना होना पाए। लेकिन पेरेंट्स का गुस्सा अपनी जगह पर है। पेरेंट्स का ये कहना है कि जब वो स्कूल में अपने बच्चे को भेजते हैं तो एक भरोसे के साथ भेजते हैं, लेकिन अगर उनके बच्चे के साथ कोई हादसा हुआ तो इसकी जिम्मेदारी स्कूल को लेनी चाहिए। आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? हम लोग स्कूल प्रशासन से प्रिंसिपल को अरेस्ट किया जाए। अभी तक पेरेंट्स को लाठीचार्ज हुआ कल और आज भी इतना देख रहे हो आप, पुलिस प्रशासन है और स्कूल को बचाने के चक्कर में इतनी पुलिस आई हुई खड़ी है। सारा प्रशासन मिलके स्कूल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है, हमारे ऊपर जो हो रहा है सब। हम चाहते हैं प्रशासन पे सख्त एक्शन हो, सीबीआई जांच कराओ, फोरेंसिक जांच कराओ, जो बंदा पकड़ा है वो इनोसेंट भी हो सकता है, वो प्रशासन का दबाने का तरीका है, हमें उस पर भरोसा नहीं है। हम प्रशासन का कहना है जिसको अरेस्ट किया गया है वो नहीं है, हम अभी उस पर पूरी तरह से नहीं कह सकते, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो प्रशासन भी जिम्मेदार है इक्वली उस पर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप कल क्या FIR रिपोर्ट लिखाई भी नहीं जा रही थी, पब्लिक आई तब FIR रिपोर्ट लिखी गई थी, प्रशासन काम नहीं कर रहा था। रियान इंटरनेशनल में ये कोई पहला मामला नहीं है, ये ऐसी गतिविधियों में पहले से लिप्त है। ये आप ये बताइए, इतने बड़े स्कूल है, इतनी फीस हमसे ली जाती है, हम अपनी मेहनत की कमाई इनको देते हैं या क्या सेपरेट टॉयलेट्स नहीं बनवा सकते? एक टॉयलेट में ही बच्चा भी जा रहा है, उसके अंदर स्टाफ भी जा रहा है, फोर्थ क्लास भी जा रहा है, ये सुरक्षा दी जा रही है। और एज यूजुअल यहाँ पर कोई भी सीसीटीवी पे कैमरा इन मामलों में कभी भी नहीं करता है, प्रशासन इतना है। बाबा के केस में ऐसा प्रशासन दिखना नहीं मिला, लेकिन हम पेरेंट्स जो है पेरेंट्स को मारने के लिए तब प्रशासन बुलाया जा रहा है। चाकू लेके मैनेजमेंट का बंदा अंदर कैसे इन लोगों की सबसे बड़ी जो डिमांड है, जो इन लोगों के गुस्सा है वो ये है कि हमने जब बच्चे को भेजा था एक भरोसे के साथ भेजा था, और इन लोगों का ये भी कहना है कि जब पेरेंट्स उस स्कूल में जाते हैं तो उनको स्कूल के अंदर नहीं आने दिया जाता है सुरक्षा कारणों का हवाला देकर। ऐसे में एक कंडक्टर किस तरह से अंदर चला गया और वो भी तमाम तरह के चाकू और हथियार के साथ, और क्यों अंदर जाने के बाद भी स्कूल प्रशासन को इस बात की खबर नहीं लगी? जब ये पूरा हादसा हो गया, जब कंडक्टर वहां से चला गया, तब स्कूल प्रशासन को इस बारे में पता चला? इन तमाम सवालों का ये एक स्कूल के बाहर की देखिए तस्वीरें हैं, ये अभिभावक इनको हमें समझना होगा, ये पेरेंट्स जिस तरह का विरोध कर रहे हैं इनके अंदर के गुस्से को हमें समझना होगा, क्योंकि भले ही ये एक स्कूल के बाहर आज जरूर तस्वीर दिख रही है लेकिन कल के हादसे के बाद हर वो माँ बाप जिन्होंने आज अपने बच्चे को स्कूल भेजा होगा वो कल रात भर चैन की नींद नहीं सो पाए होंगे। उन्हें लगता होगा कि वो अपने बच्चे को आज भेज देंगे तो क्या उनका बच्चा सुरक्षित बाहर निकलेगा? अश्विनी, लेकिन आखिर ऐसी क्या बात है कि स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से अभी तक कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया जिससे इन तमाम सवालों के जवाब मिल सके जो ये पेरेंट्स बाहर उठा रहे हैं? क्यों वो ये ओन नहीं कर रहा है कि उसकी तरफ से भी लापरवाही हुई है? बिल्कुल, यही बड़ा सवाल है कि स्कूल प्रशासन इस पूरे मामले पे सामने नहीं आ रहा है। आज भी स्कूल बंद है इस पूरे हादसे के बाद, और पेरेंट्स का ये भी कहना है कि इस पूरे मामले के बाद जो दूसरे पेरेंट्स थे उनको इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। इस हत्या के बाद जो वहां पर हुआ उसके बाद भी कल स्कूल चलता रहा, स्कूल में जो पेरेंट्स थे उनको नहीं बताया गया इस बारे में। इन तमाम चीजों को लेकर पेरेंट्स कंसर्न है, और जैसा कि आपने बताया तमाम पेरेंट्स इस बात से परेशान है कि वो सिर्फ इस स्कूल में नहीं बाकी जो दूसरे स्कूल है उसमें भी अपने बच्चों को भेज रहे हैं, तो वो बच्चा सेफ है या नहीं है ये आज एक बड़ा सवाल बन गया है। क्योंकि रूबिका ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, और बच्चे के साथ जिस तरह की हरकत स्कूल में हुई है और जिस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं वो एक बड़ा सवाल स्कूलों पर और स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर बना हुआ है इस वक्त।